Right. Next heading, electric resistance in terms of parameter of conductor. In terms of parameter of wire. तो पैरामीटर क्या मतलब है? इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ऑफ कंडक्टर क्या मतलब है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन कंडक्टर है। तो देखिए, वी हैव प्रूव इफ इन ओम्स लॉ दैट बी अपॉन आई इक्वल क्या होता है, एम एन अपॉन एन ई स्क्वायर के टर्म, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करेंट इसके इक्वल टू शुरू किया है एम एल अपॉन एन स्क्वायर एन ई स्क्वायर के टर्म, ठीक है। तो देखिए बी बी अपॉन आई का रेशियो क्या कहलाता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड स्ट्रेन बी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, बी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। लिखा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड स्ट्रेन द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करेंट कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ना एक
constant temperature for constant. तो देखिए आप अगर दोनों कंबाइन करते हैं तो R is proportional to L by ER, ना R proportional to L by ER. इस proportional sign को हटाने के लिए आपको इस constant को use करना पड़ेगा, M upon L square tau, ना ये जो constant है क्या कहलाता है, specific resistance कहलाता है. क्या कहलाता है ये जो constant है क्या कहलाएगा, specific resistance, ना जैसे जैसे specific resistance R is equal to इस कांस्टेंट पटाने लिए क्या करते हैं, इस पर तो साइन पटाने लिए कांस्टेंट यूज करते हैं रो, रो आर इज टू रो एल बाय ए, ठीक है. तो रो क्या चीज है, रो आपका जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी. तो इस तरह आप इस इन इस इन दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करिए क्या मिलेगा, बताओ आर इक्वल टू रो एल बाय ए और आर इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ एल बाय ए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो रो का मान कितना हो जाएगा, बताओ रो का मान हो जाएगा एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, एन स्क्वायर टाउ ना. इस तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ऑफ कंडक्टर आ गया ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ऑफ कंडक्टर, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ऑफ कंडक्टर ना, पैरामीटर ऑफ कंडक्टर, पैरामीटर ऑफ कंडक्टर, ठीक है. तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है. और आर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताइए, आर भी आर की वैल्यू रो पर डिपेंड है, आर इज प्रोपोर्शनल टू रो है, इसलिए आपकी भी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन करंट वॉल्यूम, जिस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होंगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है. और देखिए आर की वैल्यू किस पर डिपेंड है, रो की वैल्यू किस पर डिपेंड है, आर रो की वैल्यू टाउ पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, टाउ पर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, ठीक है. तो अगर हम टाउ मान बढ़ाएंगे या टाउ मान कम करेंगे तो आर मान क्या होगा, बढ़ेगा ना, ठीक है. और टेम्परेचर के बढ़ाने पर टाउ का मान क्या होता है, टाउ का मान कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ का मान क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर के बढ़ाने पर आर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर रो की वैल्यू बढ़ जाएगी, इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है. कंडक्टर के केस में जो है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आर रो की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है. अच्छा, लेकिन कंडक्टर है, एलॉयज है, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर आर का मान रो का मान बढ़ता है, लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर्स है या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर आर का मान कम होता है. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आर की वैल्यू बढ़ाइएगा सेमीकंडक्टर में एन का मान बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर मान बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी, और एन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है. तो ड्यू टू टाउ तो आर का मान बढ़ेगा, बट एन ड्यू टू एन, ड्यू टू एन क्या होगा, आर का मान कम होगा, लेकिन एन की वैल्यू जो है इतना ज़्यादा होगी कि वो टाउ के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है. और नेट रिजल्ट क्या होगा कि आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर डिक्रीजेस, आर का मान क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू
change in electron. Inside the conductor. ठीक है, अच्छा एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे कोई वायर है, अगर कोई किसी वायर को से मोड़ दें, है कोई वायर ले लीजिए, स्टेट है उसको आप मोड़ दीजिए, या फिर क्या करें नॉट लगा दीजिए, है ठीक है, ऐसे मोड़ करके नॉट लगा दीजिए, तो आपके वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ आर डिपेंड ऑन एम एंड टाउ। आर का मतलब किस पर डिपेंड है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम ऑफ टाउ पर डिपेंड है। तो अगर किसी वायर को मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके उस पर नॉट लगा देते हैं, तब फिर उसका ना तो एम बदलेगा ना टाउ बदलेगा। इसलिए फोल्ड करने पर, जैसे वायर को मोड़ने पर है, रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रो एंड आर डिपेंड ऑन एन एंड टाउ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना ही रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी तो फोल्ड करने पर, टेम्परेचर ने फोल्ड करने पर ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और ना तो क्या कहते हैं टाउ चेंज होगा। इसलिए आर रो की वैल्यू अनचेंज अनफोल्डिंग और गिविंग ए नॉट्स टू द कंडक्टर, कंडक्टर को कोई नॉट दीजिएगा या फोल्ड करिएगा, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम रिमेंस अनचेंज, ठीक है, इसलिए आर रो की वैल्यू अच्छे से समझ में। अब इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इज इक्वल